हमें फरवरी 2023 में अपना उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना था। इन्वेस्टर समिट के पहले ये बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश की टीम दुनिया के अलग अलग देशों में भी जाकर के इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करे, और इस देश से जब हम लोगों ने यूएस जो टीम भेजी थी उसमें श्रीमती मिडानी सेठ जी ने और उनके परिवार के सदस्यों ने, उनकी टीम के सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि हम लोग एक एडवांस पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर की स्थापना करना चाहते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश इसके लिए सहमत हो तो हम लोग एक एमओयू करना चाहते हैं। और मैं उस समय ये लोग उन्हें आश्वस्त तो किए, लेकिन यहाँ आकर के जो टीम वहाँ गई थी उन्होंने कहा कि कैसे हो पाएगा। हमने कहा भी क्यों नहीं, आप SCPGI से संपर्क करिए, SCPGI करेगा। और जितनी जल्दी यहां से हम लोगों ने इन्हें संदेश भेजा उतनी जल्दी इनकी टीम सोलोने फाउंडेशन हार्ट फाउंडेशन की टीम यहां पर आई, और यहां पर आकर श्रीमती मिडानी सेठ जी ने, उनके परिवार के सदस्यों ने, इनके टीम के सदस्यों ने यहां पर आकर विजिट किया, और इन्होंने देखा कि SCPGI, पहले इन लोगों को लगता था संभवतः यूपी में इसके लिए तैयारी नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रोफेसर आर के धीमन जी ने और उनकी टीम ने पहले विजिट में उनके मन को पूरी तरह मोह लिया और उन्हें SCPGI की तरफ आकर्षित कर लिया फर्स्ट विजिट में ही। इसीलिए कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इंप्रेशन इस दिश से SCPGI के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ कि आज सोलोनी हार्ट फाउंडेशन यहां पर सहयोग करने के लिए तैयार है, और फर्स्ट फेज में जो 36 बेडेड यहां पे पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर की स्थापना होनी थी वह प्रारंभ हो चुका है। अभी हम उस सेंटर का विजिट करके आए हैं। सेकेंड फेज के कार्यक्रम के लिए आज MOU यहां पर हुआ है, जिसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल्स यहां पे बन करके इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा।